ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार दोस्तों, डायरेक्शन स्टडी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जीके और जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने से हम अपना टेस्ट ले पाएंगे कि हम इस समय कितनी तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक हमारे लिए ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान व प्रौद्योगिकी। जी हाँ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1950। जी हाँ, यदि पूछा जाए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे नरेंद्र श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे श्री नरेंद्र मोदी जी। तीसरा प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हिंद स्वराज। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको ज़रूर पता होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। हमारा पांचवा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। जी हाँ, ऋग्वेद में सर्वाधिक मात्रा में इंद्र से संबंधित श्लोक लिखे गए हैं। हमारा छठा प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। हमारा सातवां प्रश्न है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज वूलर ने। दोस्तों, हमने ये वीडियो काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहीं उसी को हमने इसमें स्थान दिया है। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। हमारा आठवां प्रश्न है, 24 दिसंबर 2015 को यूनियन की आम सभा ने 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हमारा नौवां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है। हमारा दसवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, जहां पर 1869 में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ग्यारहवां प्रश्न हमारा है, किस ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकांश मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। हमारा दोस्तों बारहवां प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? इसका जवाब है शुक्र। जी हाँ, शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा, सर्वाधिक सुंदर ग्रह है और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। एंग्लो इंडियन के कितने सदस्य को संसद में नामित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को संसद में नामित करता है राज्यसभा में, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। चौदहवा हमारा प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पंद्रहवा प्रश्न हमारा है, दक्खन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो यह है कपास। कपास कौन सी मिट्टी में होती है? तो कपास होती है काली मिट्टी में। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस सत्र में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 में। यदि पूछा जाए
कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो वो गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। हमारा 17वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। 18वां प्रश्न है, 2015 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। दोस्तों 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया। पहला है नानाजी देशमुख, दूसरे हैं प्रणव मुखर्जी और तीसरे हैं भूपेन हजारिका। इनको 2019 का भारत रत्न प्रदान किया गया है। हमारा 19वां प्रश्न है, लाल ग्रह, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वो है मंगल ग्रह। दोस्तों हम आपके लिए टॉप 42 क्वेश्चन की श्रृंखला ये लाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबद किस सुल्तान की समाधि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। दोस्तों आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वियतनाम युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड इंडो चाइना वॉर। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर के कारण ही अमृतसर को सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट कर चुका है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 24वां प्रश्न हमारा है, लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरद पवार। दोस्तों आत्मकथा से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा की नाम क्या है? तो उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। सफ़ेद सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। जी हाँ, इसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। सफ़ेद सिरके में एसिटिक एसिड होता है। हमारा 26वां प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो यह बनाया गया है ग्रेफाइट से। जी हाँ, बृहदेश्वर मंदिर ग्रेफाइट से बना विश्व का एकमात्र मंदिर है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 27वां प्रश्न हमारा है, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत का उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। दोस्तों कवक 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 29वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री का जन्म आज़ादी के बाद हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। हमारा 30वां प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराहमिहिर। जी हाँ, वाराहमिहिर गणितज्ञ और खगोलविद थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत की रचना की थी। हमारा 31वां प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका में बोले जाने वाली भाषा का नाम क्या है? तो दोस्तों ये सामान्य रूप से बोले जाने वाली भाषा है तमिल। हमारा 32वां प्रश्न है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियां कहाँ स्थित होती हैं? तो यह होती हैं हृदय में। अगला प्रश्न हमारा है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 29,000 फीट। दोस्तों वन लाइनर देखने से आपका समय बचता है, इसलिए इस वीडियो में आपके लिए वन लाइनर सिर्फ आंसर के साथ लाया हूँ। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। हमारा 35वां प्रश्न है, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। दोस्तों सारनाथ से एक प्रश्न और बनता है कि महात्मा बुद्ध ने
अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। आगे बढ़ते हैं अपने 36वें प्रश्न की तरफ। हमारा 36वां प्रश्न है, सरावती पन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में सरावती पन बिजली परियोजना स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने 37वें प्रश्न की तरफ। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। जी हाँ, स्पुतनिक 1 यान का नाम है और देश है सोवियत संघ। हमारा 38वां प्रश्न है, एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 39वें प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, 12 से 35 अनुच्छेद में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 से 35। 40वां हमारा प्रश्न है, भारत का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है सत्यमेव जयते, अर्थात हमेशा सत्य की विजय होती है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह प्रश्न कई बार आता है, तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। आगे बढ़ते हैं अपने 41वें प्रश्न की तरफ। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है फैराडे के नियम पर आधारित। यह प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, किस चोल राजा ने मालदीव पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने। दोस्तों, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अपने जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इस वीडियो का लिंक आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।